Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए, साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे बैरियर की तरफ बढ़ते हुए हमें रियलाइज हुआ कि पोर्टर ने हमारे नेविगेशन नीडल को जाली कंपास से बदल दिया है और हम एक ऐसे आइलैंड पर चले गए जहाँ पर घोल जाइंट्स थे, लेकिन पोर्टर के मसालों ने हमारी वहाँ से निकलने में मदद की और अब दुनिया साथ उस फेक नेविगेशन नीडल के साथ स्टॉर्म बैरियर में फंस जाएगी और हम अपने आरजी जहाज के साथ रवाना हुए जो हमें सेफ लग रहा था। क्या मुझे तुम बता सकती हो कि यह हवा कब चलेगी? मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पिछले एक घंटे में आप कई बार पूछ चुके हैं। हमें जल्दी फ्रेश वाटर चाहिए होगा। ओह, फ्रेश वाटर। तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे सुल्तान, बहुत गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। ओह, तो चाहते हैं कि हम उनका टैक्स माफ कर दें? तो ठीक है, इन्हें जेल में डाल दें और वहीं सड़ दें। ऐसा मत करें। लेकिन सुल्तान, फैसला सुना दिया गया है, अब इस पर कोई बात नहीं होगी उस्मान। नहीं, हमारी बात तो सुनिए। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे सुल्तान। दुनियाजार, मेरे ख्वाबों की रानी, वेलकम बैक। हाँ, उस शेरजाद ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया, लेकिन उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरे पीछे आओ, एक न्यूज है। न्यूज? ये तो एक्साइटिंग है, आई लव न्यूज। तो देखते हैं क्या न्यूज है। ओह, वहां देखें कैप्टन, क्या वो वॉकबॉक आइलैंड है? लो, मुझे दिखा। वैसे लग तो वही रहा है। और निडल भी यही बता रही है कि वो वॉक वॉक आइलैंड है। बस देखना, हम थोड़ी देर में वहां होंगे। The tree of life, हम उस तक पहुंचने वाले हैं। फाइनली, मुझे अपनी असली हालत में आने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी पहुंचने के लिए अपने हाथों को तेज तेज चलाओ। तो तुम न्यूज के बारे में कह रही थी, वैसे अच्छी तो है ना वो न्यूज? अच्छी? बहुत अच्छी न्यूज है शाहजमान, बहुत अच्छी। तो फिर जल्दी से बताए। ये आइलैंड कितनी तेजी से करीब आ रहा है ना? हाँ, आ तो रहा। ये आइलैंड नहीं है, कोई जिंदा चीज है। सिंबा, ये कोई खौफनाक चीज लगती है, तो ध्यान से। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंबा की सेना तुम्हारे साथ है। वैसे मैं पहले भी ऐसे जानवरों से लड़ चुका हूँ और एक दफा का किस्सा है कि ये आवाज सुने।
बहुत दुखी लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर इसने मेरे जहाज को छुआ तो मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। हाँ? हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अरे वाह, उसने तुम्हारी बात कितने आराम से मान ली ना। वो दिखने में थोड़ा अजीब और बहुत बड़ा है, लेकिन खौफनाक नहीं। हाँ? क्या है इसमें दुनिया साथ? मछली? मछली नहीं है, एक सी मॉन्स्टर है। जी मैं ठीक हूँ। या ये स्टिकी है। हो गया बाहर निकलने का इंतजाम। मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिससे मैं इसके चपड़े तोड़ सकता हूँ। सिंधा, ये मेरा पाँव है। ओ, मुझे लगा कोई डंडा है। रुको, कुछ नहीं होगा ऐसा करने से, ये नहीं टूटेगा। बाहर का मौसम वैसे भी बहुत गर्म था। मौसम? उस पे तो मुझे बहुत अच्छा गाना आता है। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। थैंक यू मिस्टर फिशी। कैसा लगा? Enough! तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने जितनी भी समुद्री मखलूक को शिकस्त दी है उसमें से सबसे बदसूरत मास्टर तुम हो। अब बताओ कौन हो तुम? मैं तमाम समुद्रों की दुनिया पे राज करता हूँ। और मैं हूँ करीम, सिटी ऑफ गोल्ड का नया सुल्तान। आपसे मुलाकात हमारे लिए एजाज है। और मैं हूँ अजीम सिंपाद सेलर, जिसके किस्से बहुत मशहूर हैं। यस, जानता हूँ कौन हो। सिंपाद, काफी जिक्र सुना है तुम्हारा। देखा तुमने, ये भी जानता है मुझे। अगर तो चाहते हो जिंदा रहना तो तुम लोग अपनी सबसे कीमती चीज मुझे पेश करोगे। फौरन। क्या हमारे पास इसको देने के लिए है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें पता है ये बहुत कीमती है, इसलिए हम उसे ये नहीं दे सकते। हमारे पास और कोई चीज नहीं है। ये नेक्रोमांटिक नेविगेशन नीडल है, ये आपको समंदर में कहीं भी ले जा सकती है। ओह नो, इसने हमारा नेविगेशन कंपास तोड़ दिया। मैं मालिक हूँ यहाँ का। छोटा सा कंपास क्या है, मुझे कुछ और चाहिए। और क्या है तुम लोगों के पास? ओ, ये लो, ये एक कीमती पत्थर जिसका नाम रूबी है। तुम्हें पता है ये गिफ्ट मुझे मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने दिया था, मोरगाना ने, या शायद नाज़ली ने, या फिर किसी और ने। मुझे ये पसंद आया, जो एम्युलेट तुमने अपने गले में पहना हुआ है। क्या? ये नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा ट्रेडमार्क है। दे दे, अगर इससे हमारी जान बच सकती है। हाँ दे दो सिंबा। ठीक है ठीक है, ले लो ये। ऑल राइट, और क्या है तुम लोगों के पास? वेल, सुनकर अच्छा लगता है कि मैं ही गोल्डन सिटी का सुल्तान हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर मेरा भाई मर जाता है तो इतनी दौलत मेरे किस काम की है। मैंने उसके साथ गलत किया, बहुत ही इनोसेंट है वो। ओह शाहजमान, ये मुझे दो। ओह ये क्या है? आसिफा की मैजिक बुक। ये उसी की स्पेल बुक। नहीं, ये उनकी नहीं है।
उसी की है, आसिफा फसीहा। वो बहुत बुरी जादूगरनी है। मैंने उसका नाम क्यों लिया? ऐसा मत कहो प्लीज। इसी ने मारा था जादूगर हारून खालिद को। दुनियाजाद इस बुक को जला देना चाहिए। मैं ये किताब नहीं जला सकती क्योंकि वो बुरी जादूगरनी मेरी माँ है। क्या कहा तुमने? यकीन नहीं आ रहा, तुमने कभी बताया नहीं इस बारे में। अगर बता देती तो क्या तुम महल में आने देते मुझे? इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या है? ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनका नाम हारून। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तुम सबको देखकर बेचैन हो रहा हूँ। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। और किसी की मुझे याद आ रही है इसे देखकर। ये कैसे हो सकता किसकी? है किसकी? मुझे देख के? लेकिन मैं तो आज से पहले आपसे कभी नहीं मिली हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है कि मैं हूँ सिर्फ एक मॉन्स्टर, लेकिन बात ये है कि हम में भी इमोशंस होते हैं। और बताएं इस बारे में। मुझे अपने बच्चों की याद आती है। मेरे 846 बच्चे, हम सब एक साथ बहुत खुश थे। फिर एक दिन कहीं से दो बदसूरत इम्स आए और मुझे तंग करने लगे, और जैसे ही मैंने उनका पीछा करना शुरू किया तो किसी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे अभी तक जिंदा है, लेकिन वो बहुत अफसुर्दा है। वो बताते हैं कि वो किसी जादूगरनी के पास फंस चुके हैं। दुनिया साथ। हाँ, क्या तुम जानती हो मेरे बच्चे कहाँ है इस वक्त? शेख ऑफ द सी, आपके बच्चे सुल्तान के पैलेस में है और वो गोल्डन सिटी में है। तो फिर तुम उन्हें वापस लाने में मदद करोगे? हमें अपने जरूरी काम से जरा दूसरी जगह जाना है, तो इसलिए। अगर ऐसा है तो अपनी आखिरी सांस तक तुम सब यहीं रहोगे। आपका काम ज्यादा जरूरी है, इसलिए पहले हम वहाँ जा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? गोल्डन पैलेस यहाँ से मीलों दूर है। रिलैक्स, मैं इसे यहाँ से निकलने के लिए चकमा दे रहा हूँ। बस ये एक बार हमें साहिल तक ले जाए। सिंबाद, हमें मंजूर है। गुड, तुम सबकी बॉडीज मेरे पास ही मौजूद रहेंगी। हमारी बॉडीज? तुम चाहते क्या हो एक दफा सही से बता दो बस। मेरा सॉन्ग आपको आपकी बॉडीज से अलग कर देगा, वाटर स्पिरिट्स की तरह, और तुम हर उस जगह जा सकते हो जहाँ पर पानी हो। लेकिन जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा तुम सबकी बॉडीज मेरे पास ही रहेंगी। देखो, हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर भी तुम हमारी बॉडीज को अपने पास क्यों रख रहे हो? इट्स ओके, हम दोनों अकेले संभाल लेंगे सिंबाद, क्योंकि हम दोनों को महल के हर कोने का पता है। तो चलो फिर, तुम्हारा टाइम शुरू होता है। करीम? हाँ? ये तुम हो? ये तुम ही हो? हाँ, ये तो मैं ही हूँ। हाँ? हाँ? चलो जल्दी करो, चले अब। मेरा घर, ये महल, बहुत सी यादें वापस आ गई हैं इसे देखकर। वो मैं हवा में हूँ, थोड़ा अजीब है। ओह वाओ, हमें उन मछली के बच्चों को ढूंढना है। तो सोचो कि दुनिया साथ ने उन्हें कहाँ रखा होगा। हाँ ठीक है। हाँ।
पीछे हो जाओ। दुनियाजात का कमरा उस तरफ है, मगर हर जगह गार्ड्स मौजूद हैं। मेरे पास एक आइडिया है। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं गार्ड्स को संभालता हूँ, तुम मछलियों को तलाश करो। ध्यान से। डोंट वरी, हम वापस फाउंटेन पे मिलते हैं। तो ये राज हमारे दरमियान ही रहना चाहिए शाहजमान, भूलना हरगिज नहीं कि आसिफ फासिह मेरी माँ हैं। समझ गए? यस। गुड। सुल्तान, सुल्तान, खबर ये है कि वो वापस आ गए हैं। ये पता नहीं, आप खुद ही चल के देख ले हुआ क्या है। क्या क्या हो रहा है, दिखाओ मुझे। ये मैं हूँ प्रिंस करीम, इस पूरी सल्तनत का असल हकदार। और मैं तुमसे कहता हूँ कि इन बेगुनाह कैदियों को इसी वक्त रिहा कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जाओगे मुझसे बच के? प्रिंस करीम, क्या आप आ गए हैं या ये सिर्फ हमारी नजर का धोखा है? यकीन दिलाता हूँ मैं अपनी असली हालत में बहुत जल्द वापस आऊँगा और अपने भाई की नाइंसाफियों को खत्म करूँगा। ये क्या, करीम का भूत कैसे हो सकता है? क्या, करीम का भूत? दरवाजा खोलो जल्दी। ये सब शेरजाद का काम है, वो यहीं पर है, तलाश करो महल में। मेरा भाई आ गया वापस। मेरे करीब मत आना भूत, जाओ प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ। मैं हकीकत में भी वापस आऊंगा ब्रदर, अपने तख्त पर बाबा की इज्जत के लिए। याद रखना मेरी बात। ये साउंड तो शेक ऑफ द सी पे सुना रहा था, ये आवाज आ कहां से रही है? प्यारे बच्चों, चलो घर ले चलूं तुम्हें मैं। ऐसा सोचना भी मत शेरजाद, ये और तुम कहीं नहीं जा सकते। दुनियाजाद, दुनियाजाद, करीम का भूत वापस आ गया, मुझे डरा रहा है। ये एक और भूत। डरना बंद करो, मैं संभाल लूंगी। आसिफा फासिहा का निशान, ये मेरी किताब है, वापस दो मुझे। ये तुम्हारी मॉम की थी ना? क्या कहा? गलती से। इसकी मॉम की? ये किताब चाहिए तो ये लो। एम्स, पकड़ो उसे। किसी भी तरह फाउंटेन तक जाने से रोको। डरो मत, ये सिर्फ नजर का धोखा है। उस्मान, ये मैं ही हूँ करीम, आप हमारा पीछा करना छोड़ दे, जाने दे हमें। खामोश, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, कुछ भी कहते रहो, समझे? शाहजमान ने मुझे एक ब्लू कलर का मॉन्स्टर बना दिया है, शेरजाद सिर्फ मेरी मदद कर रही है, जो कि आपको भी करनी चाहिए। मुझे पता है आपको भी शाहजमान पे यकीन नहीं है ना? बस खामोश रहो, बात हो गया। आप जानते हैं यही सच है, सोचिए जरा। No, कोई सच्चाई नहीं तुम्हारी इन सारी बातों में। करीम, रोको उसे। उस्मान, रुक जाओ। चलो जल्दी।
सकती। हो सकता है कि हमें वापस आने में वक्त लगे। हाँ, लेकिन हम वापस जरूर आएंगे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप लोगों को वापस देखकर खुशी हुई। हम इन्हें ले आए, हम आपके बच्चे वापस ले आए। मेरे बच्चे वापस आ गए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ? क्या आप हमें ऊपर ले जाएंगे हिफाजत के साथ? मैंने जो कहा था वो करूंगा। ये शेल उठाओ और ब्लो करो इसे। इस आवाज के साथ तुम मुझे किसी भी साहिल पर बुला सकते हो, मैं जरूर आऊंगा। रुको, मेरा एम्यूलेट, मेरा एम्यूलेट, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। किसने आजाद किया इन्हें? मेरे सुल्तान, अफवाह तो यही है कि ये आपके भाई के भूत की हरकत है। एक भूत ने आजाद कर दिया उन्हें, क्या ये हो सकता है? सॉरी मेरे सुल्तान। तो दुनिया आजाद आसफा फसिया की बेटी है, जबरदस्त। वहाँ देखो, हम पहुँचने वाले हैं। वॉक वॉक आइलैंड, आखिर आ ही गया। तो ये है ट्री ऑफ लाइफ। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच ही गए। हम वॉक वॉक आइलैंड तक पहुँच गए और ऐसा लग रहा था कि ट्री ऑफ लाइफ तक भी पहुँच जाएंगे, लेकिन पता चला कि ये इतना आसान नहीं था। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।